यह है एक इंटेक्स का बूफर और इसको देखिए, इसका जो नंबर है IT2550 करके कुछ है इसका नंबर। इसका स्क्रू हम लोग पहले खोल लेते हैं पूरी तरह से और दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, पहले देखना होगा। तो मैंने इसका स्क्रू खोल दिया है और इसके बाद आपको दिखाते हैं इसके अंदर में क्या हुआ है। देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर है ये जला हुआ लग रहा है और ये ट्रांसफार्मर पहले चेंज किया हुआ लग रहा है इसे देख के तो। और देखिए, इसको हम लोग पहले खोल लेंगे अच्छे से। देखिए, इसको हम लोग लगाते हैं तो ये शॉर्ट बता रहा है, मतलब ये डायरेक्ट है। सीरीज में चेक कर रहे हैं तो ये शॉर्ट बता रहा है, लाइन में लगाएंगे तो लाइन उड़ सकता है घर का। तो इसको हम लोग ट्रांसफार्मर को पहले खोल लेते हैं अच्छा, उसके बाद आगे दिखाते हैं। और ये देखिए, ये जो है यहाँ पे इसका वायर है, ये भी लग रहा है कि उड़ा हुआ है IC। और देखिए, यहाँ पर उसका शॉर्ट सर्किट दिख रहा है, मतलब कि ये वाइट दिख रहा है ना, ब्राउन कलर का जला हुआ टाइप का। और देखिए, इसमें बहुत बार लगता है कि इसमें रिपेयरिंग बहुत खतरनाक किया हुआ है इसको पहले से। तो इसको देखिए, यहाँ भी स्पार्क दिख रहा, मतलब ये वायर के अंदर पहले स्पार्क हो चुका था और एक बार चेंज भी हुआ है ये। तो हम लोग इसको खोलेंगे, वायर देखिए कटा हुआ, बीच में टेप भी मारा हुआ, ठीक है। तो देखिए, इसको मैंने खोल लिया, जिस तरह दिखाया, नीचे स्क्रू से टाइट रहता है वो, खोलने वाला रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। इसमें देखिए दो है, 2 ठो 9 वोल्ट का है और 12 0 12 एक साइड में है। 9 वोल्ट इसलिए दिया जाता है क्योंकि आगे में अगर USB लगा रहे हैं तो। देखिए, वायर कटा हुआ, इसमें ये 9 वोल्ट दो ब्लू ब्लू वाला और वाइट वाइट जो दिख रहा है वो 12 12 और ब्लैक वाला 0 है, ठीक है। और ये दोनों पावर सप्लाई है, मतलब लाइन इन जो करते हैं ना बाहर से, वो कनेक्शन यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका कनेक्शन हम लोग कर लेते हैं पहले, जिस तरह से खोले तो उस तरह से वो करना है। आप डायरेक्ट भी वहाँ पर सोल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें वायर है तो कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा बाद में अगर कभी खोल के इसको बनाएगा कोई तो, ठीक है। तो इसको कनेक्ट कर देते हैं जिस तरह से दिख रहा है, 9 वोल्ट वाला को 9 वोल्ट में और 12 0 12 को 12 0 12 में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। जब आप खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा कौन क्या है। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आपका समय बचेगा उससे। तो ये देखिए, ये हो गया है कनेक्ट। अब इसके ऊपर में ये जो लाइन इन वाला जो जगह है वहाँ पे कागज़ में लपेट के पहले चेक कर ले रहा हूँ, बाद में इसमें टेप कर लेंगे। तो इसको ऑन करके देखते हैं ये ऑन हो रहा है कि नहीं। तो इसको देखिए, ये इसमें जो है देखिए ऑन हो गया है, AUX लिखा हुआ बाहर में, इसका ये ब्लूटूथ वाला पैनल लगा हुआ है इसमें, ठीक है। तो AUX मोड में है इसलिए लिखा रहा, तो ये कनेक्ट है। इसको देखिए आवाज़ आएगा, इसको अगर ऑन करेंगे, इसका जैक कटा हुआ था वो भी लगा दिए हैं, और इसको ऑन करेंगे तो आवाज़ आएगा। AUX मोड, ठीक है। तो अब देखिए ये ठीक हो गया। इसमें हम लोग अब क्या करेंगे, वायर में सबका सोल्डिंग करके उसको लगा दें। तो इसको देखिए हम लोग पहले सोल्डिंग कर देते हैं, जिस तरह से आपको दिख रहा है। ये सोल्डिंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपका मर्जी। अगर आप डायरेक्ट वहाँ सोल्ड करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसे बीच में वायर क्या है कि ये जैक में लगा हुआ, तो जैक खोल भी सकते हैं। इसका ऊपर में टेप कर दीजिएगा, ब्लैक वाला या होगा तो आपके पास में, मेरे पास ये भी था, ब्लैक वाला ख़त्म हो गया था इसलिए मैं इससे ही कर दे रहा हूँ। वैसे आप स्लीव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे हीट सिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रिंग ट्यूब का, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है ना कि मैंने ऑन करके देखा तो ये दोनों में आवाज़ तो आ रहा है, लेकिन ये जो बेस का आवाज़ है उसमें भों भों आवाज़ कर रहा है, वो ख़राब हो गया लगता है उसका IC। ऑन करने के बाद ये पता चला है, तो मैं आपको उसको उसके बारे में बता देता हूँ। तो ये देखिए, ये इसमें 3 IC है और ये इधर वाला जो है ये बूफर का IC है, ठीक है। तो इसमें आवाज़ नहीं आ रहा है, और यहाँ से हम लोग इसको खोलेंगे, ये ब्रश के माध्यम से इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे उसको, तो उसके ब्रश से हटाना पड़ता है, वो गर्म कर करके। आपने पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया है किस तरह से डिसोल्डिंग का यूज़ करेंगे। डिसोल्डिंग वायर होगा तो अच्छा है, मैं तो ब्रश से ही करता हूँ क्योंकि डिसोल्डिंग वायर बहुत ख़राब बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है इसलिए। तो ये हीट भी हो रहा है, तो इसको हम लोग इसी तरह से खोल लेते हैं पहले, ठीक है। आपको हम दिखा देते हैं कौन सा IC ख़राब हुआ। तो देखिए ये वाला IC जो है ना, ये ख़राब हो गया, इसको यहाँ स्क्रू खोलना पड़ता है इसको, ठीक है। तो स्क्रू इजी है खोलना इसका, इस ये 20-30 नंबर का IC लगा हुआ है इसमें, इसको हम लोग खोल लेते हैं। अभी मेरा जो कैमरा थोड़ा शेक कर रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि मेरे पास में कोई रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं है, हम खुद से कर रहे थे। तो इसको देखिए ये खोल लेते हैं, और आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपका ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, मतलब ये उड़ा हुआ, ठीक है, साइड में मतलब धुआं मार दिया। स्क्रू से खुल गया ये, और पीछे साइड से हम लोग ब्रश से उसको हटा दिए थे वो डिसोल्डिंग करके, ठीक है। अगर इसको खींचेंगे तो ये निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो डिसोल्डिंग वायर से देखिए ये इसको हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, ठीक है। ये देखिए ये 20-30 IC बोलते हैं इसको, ये 10-20 रुपये 30 रुपये मिलता है ये, ठीक है। अच्छा क्वालिटी का लीजिएगा, नहीं तो बार बार उड़ते रहेगा ये। तो ये फिलिप्स का रहता है IC, TDA 2030 नाम है इसका। देखिए यहाँ पर बबल उठा हुआ है इसका, मतलब ये शॉर्ट हुआ है, ठीक है। और नया वाला को देखिएगा, गौर से देखिए फट गया, किसी किसी में पूरा फटा हुआ ही रहता है तो समझ में आ जाता है, ठीक है। ऐसे ओवर हीट हो रहा था, भों भों कर रहा था ये, ठीक है।
बार बार ठीक है बोलने का आदत हो गया। चलिए ये जो है इसको हम लोग लगा देते हैं वापस। वो जो आईसी है 20-30 IC जो है, ये अच्छा एम्पलीफायर, इसका आवाज़ अच्छा होता है, हम देखे हैं, इसलिए ये वाला एम्पलीफायर अगर आप पूरा चेंज करना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं, मिलता है मार्केट में। ठीक, तो ये आईसी देखिए, ये ख़राब हो गया तो फेंक दिया, वो आईसी को लगा दिए, अब सोल्डिंग इसको वापस मार देते हैं। ये पहले ही बहुत बार लगता बन चुका है, इसका कंडीशन देख के लग रहा है इसका प्रिंट उखड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर सोल्डिंग करने के बाद इसको साफ़ कर देंगे अच्छा से ब्रश से, अगर आपके पास थीनर है उसे साफ़ कर दीजिए या फिर स्प्रिट से भी। तो अच्छा सोल्डिंग करने के बाद इसको हम लोगों को क्लीन कर देना ज़्यादा बेहतर रहता है, नहीं तो वहाँ मॉइस्चर आ जाता है। ठीक है, तो हो गया है ये, और इसको अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको बूफर का कनेक्शन देखिए ये ला है वायर, इसको लगा देते हैं, और लगाने के बाद इसको वापस वहाँ पे लगा देते हैं। देखिए अब अन लगा इसमें, ये टॉप कर रहा है, ठीक से लगा हुआ नहीं है वायर, इसलिए ऐसा बात कर रहा है। देखिए छूने पर ये भोंभों कर रहा, पहले नहीं कर रहा था। आवाज ऑफ करके और ऑन करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ठीक हो गया। अब हम लोग इसको वापस जैसे था वैसे लगा देते हैं। ठीक है, ये बन गया है बुफर।